सोलन के शेल्टर होम से भागी चार नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने चंडीगढ़ से बरामद कर लिया है। शेल्टर होम के संचालक द्वारा मंगलवार को महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि चार नाबालिग शेल्टर होम से गायब हुई हैं। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई, जिन्हें बुधवार देर शाम सोलन लाया गया और शेल्टर होम संचालकों के सुपुर्द कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। इन्फॉर्मेशन आई थी 22 जैन को, इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे कोई एक शेल्टर होम है, वहाँ से चार लड़कियाँ भाग गई हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत 363 IPC के तहत केस दर्ज किया था। इन लड़कियों को, चारों लड़कियों को रिकवर कर लिया गया है और इनको शेल्टर होम वालों के पास के हवाले कर दिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन केस में चल रही है। तो प्रथम कहाँ से पकड़ी, किस सिचुएशन में थी? वालों ने इनको डिटेन किया हुआ था रेलवे पुलिस फोर्स जो थाना है हमारा चंडीगढ़ में, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, क्या कारण रहे, क्यों गई है, व्हाट वर द रीजंस, इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर ये इस पर तो नहीं मैं रिकॉर्ड देख के ही बता सकता हूँ, हमारे पास शायद इसकी जानकारी है या नहीं है, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। वो हम जाँच हर उस पर इशू पर कर रहे हैं सर, सुरक्षा करेंगे और जो भी इसके अकॉर्डिंगली जो भी कंसर्न विभाग है उसको भी इसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो भेजी जाएंगी, और जो भी इसका संचालक है उसको भी इस बारे में डायरेक्शन दी जाएगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।